हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन गुरुकुल। अगर आपने अभी तक ऑनलाइन गुरुकुल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मैंने पिछली वीडियो में आपको 10 वर्ड्स याद कराने की कोशिश की थी। प्लीज़ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो गो एंड वॉच दैट वीडियो। हम इन वर्ड्स को इस तरीके से याद कर रहे हैं कि मतलब जो रोजमर्रा की जिंदगी में डे टू डे लाइफ में हम जो वर्ड्स यूज करते हैं उन्हीं वर्ड को इन वर्ड्स के साथ लिंकअप कर हम याद करने की कोशिश करेंगे। ये सारे जो गवर्नमेंट एग्जाम्स है उन्हीं में प्रीवियस वर्ड्स जो आ चुके हैं उन्हीं वर्ड्स को हम यहाँ पर याद करने की कोशिश कर रहे हैं, और यही वर्ड्स जो आ सकते हैं वो भी इन्वॉल्व होंगे इन वर्ड्स में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले आपको पता चले जब भी मैं वीडियो डालूं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी डिले। अब यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ड है वो है रैंट। अब यहाँ रैंट का मीनिंग होता है चिल्लाना। किसी के ऊपर हम जब चिल्लाते हैं तो हम उसको उसके ऊपर रैंट कर रहे होते हैं। अब जो इस रैंट वर्ड से हम एक और वर्ड आपको पता होगा रैंट, RENT, जो रैंट होता है उसका मतलब होता है किराया। इस वर्ड से इन दोनों वर्ड को आपस में लिंकअप कर हम एक सेंटेंस बनाएंगे, और उस सेंटेंस से आपको ये जो RENT रेंट वाला वर्ड है वो याद होगा। अब देखिए आप यहाँ पर, जैसे तुम रेंट नहीं दोगे तो लैंडलॉर्ड रेंट ही करेगा ना। मतलब आप किसी के भी किसी किराए के घर में रह रहे हो और आप उसका रेंट ही पे नहीं कर रहे हो तो जो वहाँ का लैंडलॉर्ड है वो आपके ऊपर आकर चिल्लाएगा ना, रेंट ही करेगा, RENT रेंट करेगा ना। तो रेंट का मीनिंग होता है चिल्लाना। तुम रेंट नहीं दोगे तो लैंडलॉर्ड आकर रेंट ही करेगा, रेंट मीनिंग चिल्लाना। सेकंड वर्ड है एम्पल। अब एम्पल का मीनिंग होता है प्रचुर मात्रा, अधिक मात्रा। अब एप्पल का मीनिंग तो सबको पता ही है ना। अब आप ये बताइए एप्पल हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा अधिक मात्रा प्रचुर मात्रा में कहाँ पाए जाते हैं, कश्मीर में पाए जाते हैं। तो एप्पल कश्मीर में एम्पल मिलते हैं, एप्पल कश्मीर में प्रचुर मात्रा अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, मिलते हैं। तो यहाँ पर एम्पल का मीनिंग हो गया प्रचुर मात्रा अधिक मात्रा। नेक्स्ट वर्ड है एक्सोरसाइज। एक्सोरसाइज का मीनिंग होता है भूत भगाना। अब जब आप मैथ्स में किसी चैप्टर की एक्सरसाइज करने बैठते हो, जब मैथ्स तो किसी को मतलब पसंद होता ही नहीं, बहुत कम बंदों को पसंद होता है, तो भागते ही हो ना मैथ्स से, तो भूतों को भी मैथ्स नहीं पसंद भाई, वो भी दूर भागते हैं। मतलब जो मैथ्स है वो क्या करने में, जो मैथ्स की एक्सरसाइज है वो भूतों को एक्सरसाइज करने में काम आती है। मतलब एक्सरसाइज का मीनिंग हो गया भूत भगाना, क्योंकि मैथ से सब भागते हैं, भूत भी भागते हैं मैथ्स की एक्सरसाइज से, तो एक्सरसाइज का मीनिंग हो गया भूत भगाना। नेक्स्ट वर्ड है एसिड्यूएस। अब एसिड्यूएस को हमने, जो एसिड्यूएस वर्ड है इसी को टू पार्ट में ब्रेक कर लिया, एसी प्लस दुआ। एसी प्लस दुआ मतलब ऐसी दुआ दो कि हम मेहनती बन जाए। मतलब हम बोलते नहीं है कि हाँ भाई दुआ कर मेरे लिए, तो ऐसी दुआ कर मेरे लिए कि मैं मेहनती बन जाऊं, डिलीजेंट बन जाऊं। यहाँ पर ऐसी डिवेस का जो सिनोनियम है वो है डिलीजेंट। नेक्स्ट वर्ड है डॉलफुल। अब डॉलफुल का मीनिंग होता है दुखी होना, और डॉलफुल का जो सिनोनियम है वो है मोर्नफुल। अब डॉलफुल को हमने टू पार्ट में डिवाइड कर लिया है, ब्रेक कर लिया है सॉरी, दैट इज डॉल डॉली प्लस फूल। डोली को फूल दे देना, नहीं तो वो मॉर्निंग में मोर्नफुल हो जाएगी, दुखी हो जाएगी भाई, शाम को तुमने डोली के साथ झगड़ा कर लिया, अब उसको मनाने के लिए कुछ तो करोगे ना। अगर उसको फूल नहीं दोगे मॉर्निंग में तो वो मोर्नफुल ही होगी, दुखी होगी। मतलब वो तो यही सोचेगी ना, एक तो झगड़ा कर लिया और ना ही मेरे को फूल दिए, अब तो मैं मोर्नफुल हो जाती हूँ, मैं दुखी हो जाती हूँ। तो डोली को ऐसे याद करेंगे, डॉलफुल को डोली प्लस फूल। डोली को फूल दे देना मॉर्निंग में, अब मॉर्निंग और मोर्नफुल दोनों सेम साउंड कर रहा है, तो मॉर्निंग में मोर्नफुल हो जाएगी वो। मोर्नफुल मीनिंग है दुखी। डोलफुल का मीनिंग है दुखी, और मोर्नफुल का मीनिंग भी दुखी है, दोनों ही सिनोनियम है एक दूसरे के। तो डोलफुल मीनिंग दुखी। अब है ऑग्यूरी। अब ऑग्यूरी का मतलब होता है आभास, संकेत हो जाना, और इसका सिनोनियम है ओमेन। अब ऑग्यूरी को हमने ऐसे ब्रेक कर लिया है ओ प्लस ग्री, ओमैन। अब ओमैन है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं ना, ओ मैन अलग अलग लिख दो, ओमैन ओ गिरी, ओमैन ओ गिरी, तुम्हें आभास है इस बात का। मतलब तुम उस किसी के साथ चल रहे हो और वो तुम्हारा साथ वाला बंदा गिर गया, और तुम्हें आभास भी नहीं हो रहा, तुम्हें संकेत भी नहीं हो रहा है, तुम कैसे चल रहे हो उसके साथ। तो ऑग्री का मतलब होता है आभास, संकेत, सिनोनियम है ओमैन। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फ्रंट।
अब कॉन्फ्रंट का मतलब होता है सामना करना किसी का, अपोज करना, कॉन्फ्रंट का सिनोनियम है अपोज। अब कॉन्फ्रंट को हमने ऐसे ब्रेक कर लिया, कौन प्लस फ्रंट, कौन फ्रंट में आकर मेरा सामना करेगा, मतलब हम किसी को धमकी दे रहे हैं भी आओ हम मेरे सामने आओ और मेरा सामना करो, कौन फ्रंट में आकर मेरा सामना करेगा, कॉन्फ्रंट का मतलब हो गया सामना करना। नेक्स्ट वर्ड है चारी, अब चारी का मतलब होता है सावधान, केयरफुल। अब इसको हम जो फ्रूट चेरी होता है उससे लिंकअप कर सकते हैं। अब जैसे हम चेरी फ्रूट खा रहे हैं तो हमें चेरी खाते समय चेरी रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, नहीं तो जो उसका गुठली है वो अंदर अटक जाएगी गले में तो दिक्कत आ जाएगी। तो चेरी का मतलब होता है सावधान, केयरफुल, चेरी खाते समय हमें चेरी रहना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है बाउंटी, अब बाउंटी का मीनिंग होता है गिफ्ट, जेनरोसिटी, ये दोनों इसके सिनोनियम भी हैं। बाउंटी का सिनोनियम जेनरोसिटी, काफी बार आ चुका है काफी एग्जाम्स में ये वर्ड। तो बाउंटी का मतलब, बाउंटी को हम बंटी से लिंकअप करते हैं, जो बंटी ने सबको गिफ्ट दिए, बंटी नाम का एक पर्सन है वो सबको गिफ्ट देता रहता है, तो बाउंटी का मतलब हो गया गिफ्ट और बाउंटी का जो सिनोनियम है वो जेनरोसिटी। नेक्स्ट वर्ड है टेमरिटी, अब टेमरिटी का मतलब होता है गुस्ताखी, और जो टेमरिटी है इसके दो सिनोनियम और हैं, दैट फर्स्ट वन इज गॉल एंड द सेकेंड वन इज इम्प्यूडेंस। तो अब इसको हम याद कैसे करेंगे, अब टेमरिटी को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ये यू है, यू थोड़ा मतलब लिखते टाइम हो गया है, आप देख लेना ये यू है, पी के बाद इम्प्यूडेंस। अब टेमरिटी को हमने तीन वर्ड में ब्रेक कर लिया, टै प्लस मेरी प्लस टी, तूने मेरी टी पीने की गुस्ताखी कैसे की। अब भाई जो टी लवर है अगर तुम उनकी टी पियोगे, उनकी चाय पियोगे तो उन्हें वो गुस्ताखी लगेगी, गलती नहीं लगेगी, वो माफ नहीं करेंगे ऐसी गलती करने को तुम्हें, जो अगर तुम ऐसी गलती कर देते हो तो। द टेमरिटी का मतलब हो गया गुस्ताखी। थैंक यू गाइज, दैट इज इट फॉर टूडे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।